नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। कल के सेशन में हमने सोने और चांदी में एक गिरावट का डे देखा। जिस ढंग से हमने पूरे हफ्ते में उम्मीद लगा रखी थी कि बुधवार तक मार्केट तेज होगा, बुधवार के बाद मार्केट में गिरावट का रुख होगा। 2 दिन से हमने देखा मार्केट हाई साइड जाता जरूर है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा था। कल इसी के चलते हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही हमने भारी गिरावट आते हुए देखी। गोल्ड में 1.5% की गिरावट थी, चांदी में 3.5% की गिरावट थी। वहीं क्रूड में हमने एक मिला जुला ट्रेड होते हुए देखा। नो डाउट 1.25% की तेजी जरूर थी प्राइजेस में, बट अपसाइड थोड़ा सा मार्केट कंसोल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा। वहीं नेचुरल गैस में हमने फिर से एक गिरावट आते हुए देखी। फ्रेश सेलिंग के चलते 4% की गिरावट हमने मार्केट में आते हुए देखी। बेस मेटल के प्राइजेस में भी एकाएक भारी गिरावट आते हुए देखा। जिस दिन से US और चाइना के बीच में जो तनाव है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते हो सकता है फिर से हम ट्रेड वॉर की चपेट में आए और बेस मेटल उससे इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो हमें लगता है जिस ढंग से तनाव बढ़ा है वो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। गोल्ड एज ए सेफ हेवन अभी भी अच्छा लगता है, क्योंकि 1720 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है। अनलेस एंड अंटिल 1720 या 1718 का लेवल नहीं तोड़ता है गोल्ड, पॉसिबिलिटी है फिर से हम 1736 से लेकर 1745 का लेवल गोल्ड में देख पाएंगे। बट ध्यान रखिए, 1718 का लेवल तोड़ने पर एक बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है, जो चैनल कंप्लीट करेगा 1700 से लेकर $1680 तक के लेवल के लिए। जब तक 1718 का लेवल नहीं तोड़ता है गोल्ड में शॉर्ट करना नहीं है, 1718 के नीचे ही शॉर्ट करना है, जो सत्रह सौ का लेवल तोड़कर 1680 तक का भी लेवल दिखा देगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो जिस ढंग से बेस मेटल में थोड़ा कंसर्न्स बने हैं, हो सकता है चांदी में भी हम उसका असर आते हुए देख पाएंगे। बट हम लोग अप्रैल ऑनवर्ड्स देखेंगे तो मार्केट का एक ट्रेंड ऐसा रहा है कि 4 दिन की तेजी, फिर बाद में 2 दिन की गिरावट, फिर तेजी। चाइना में भी एक इम्पॉर्टेंट मीट चल रही है, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ और स्टिमुलेशन की घोषणा हो सकती है, जो कहीं ना कहीं मेटल को सपोर्ट कर सकती है। तो मार्केट अभी भी इन चैनल है, हो सकता है 410 के सपोर्ट से कॉपर वापस 418 का लेवल दिखा दे। बट आज फर्स्ट हाफ के अंदर पूरे ही बेस मेटल में गिरावट के साथ हम मार्केट में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। आज LME भी अगर बात करें तो कॉपर 1% से डाउन है, जिंक 0.25% से डाउन है, निकल करीबन 0.25% की गिरावट है, लेड और एल्यूमिनियम दोनों में ही 0.5% की गिरावट है। तो हो सकता है दिन के सेशन में हम बेस मेटल में गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर हम इंटरनेशनल की बात करें, WTI और ब्रेंट दोनों में ही आज एक भारी गिरावट के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है। 3-3.5% की गिरावट है, जिसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन आज डोमेस्टिक मार्केट में भी आता हुआ दिखाई देगा। वहीं उसके विपरीत हम नेचुरल गैस के अंदर नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट अभी आ चुका है, जिसके चलते आज थोड़ा एक पॉजिटिव मोमेंटम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। विक्स इंडेक्स में बढ़ोतरी के चलते आज इक्विटी मार्केट में दबाव रहने की उम्मीद है। डोमेस्टिक मार्केट में 10 बजे RBI गवर्नर की मीट है, जिसके चलते रुपये में एक मोमेंटम ज़्यादा हो सकता है। डॉलर इंडेक्स को भी स्ट्रेंथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते 99.50 के ऊपर डॉलर इंडेक्स इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आज के डेटा पॉइंट ज़्यादा मेजर नहीं है, US से कोई डेटा नहीं है, यूरोप से मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस PMI के आंकड़े आने हैं। तो आज के ट्रेड सेटअप में सोने और चांदी में थोड़ी बहुत बाउंस रहेगी। खास करके गोल्ड की अगर बात करें तो 46,850 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल सकता है। चांदी में हमें लगता है कि प्राइसेस में थोड़ा बाउंस रह सकता है, बट ओवरऑल गिरावट के साथ ही मार्केट ट्रेड करेगा। तो 47,848,000 के करीब अगर चांदी मिले तो वहाँ पर बेच के ही ट्रेड करना है। क्रूड ऑयल में गिरावट के साथ मार्केट मूव करेगा। 2520 का लेवल तोड़ने पे 2350 तक के लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। नेचुरल गैस में 133-134 तक का एक पाउंड देखने मिल जाएगा। वहीं बेस मेटल में दिन के सेशन में गिरावट का रुख रहेगा, इवनिंग सेशन में थोड़ा बहुत बाउंस वापस मार्केट में मिलता हुआ दिखाई दे सकता है।